अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब मैं डिसाइड करूंगी कि उसकी जिंदगी में क्या होगा। डिसाइड करना है क्या? अब उसकी जिंदगी में आएगा प्यार, फिर होगी एंगेजमेंट, सगाई, फिर शादी, फिर दिवाली पे होगा दिवाला। हम पार्टनर्स हैं डॉक्टर शिव, और पार्टनर्स एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। और इसलिए जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता ना, हम आपको इन सारी चीजों में से दूर रखेंगे, ऐसे ही रक्षा कर पाएंगे आपकी। माँ पार्वती, आपने कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ लिया था अपने शिव जी को मनाने का, अब हमें भी कोई रास्ता दिखाइए कि हम अपने शिव जी को मना सके। वो तुझसे बहुत प्यार करता है सती, बहुत प्यार करता है। तुझे पता है वो तुझ पे गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि वो तेरे सपने को अपना सपना समझता है, क्योंकि तेरे सपने के टूटने पे जितना दुख तुझे होगा ना, उसे कई ज्यादा दुख उसे होगा, क्योंकि अब तेरा सपना उसका सपना है सत्तुड़ी। एक तरफ डॉक्टर शिव नाराज है और दूसरी तरफ दी अब वो कीर्तन वाली बात चाची जी को बताए बिना रहेंगी नहीं, क्या करें? माँ, शक्ति के घर के लिए उपतन? हाँ हाँ, छोटों को पास लाना, उनके बीच में सुलह कराना और दोनों के बीच में प्यार का इजहार करवाना, ये सब बड़ों का ही काम होता है। इसीलिए मैंने उसे उपतन देने के बहाने बुलवा लिया। अच्छा छोटी, तुम एक काम ध्यान से करना, मौका देखकर शिव से बात कर लेना, उसे बता देना कि दिवाली वाले दिन हम पंडित जी के घर जाने वाले हैं उसका रिश्ता लेकर। हाँ माँ, जरूर। ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, बड़ों का काम होता है सुलह कराना और छोटों का काम होता है चुपचाप बड़ों की बातें मानना। पर ये शक्ति मेरी कोई बात नहीं मानती, इसीलिए तो अब उसकी जिंदगी की लगाम मैंने अपने हाथों में ले ली। अब मैं डिसाइड करूंगी कि उसकी जिंदगी में क्या होगा। डिसाइड करना है क्या? अब उसकी जिंदगी में आएगा प्यार, फिर होगी एंगेजमेंट, सगाई, फिर शादी, फिर दिवाली पे होगा दिवाला। और उसका इस घर से हमेशा हमेशा के लिए घर निकाला। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।